4 फरवरी को पंजाब में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। इन चुनावों में चुनाव मॉडल और शहर में अमन शांति रखने के लिए अर्धसैनिक बल और पंजाब पुलिस मिलकर कड़ी नजर रखेंगे। जिला पुलिस के पास पुलिस के अंडर CISF, CRPF, PAP, चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से भी जवान दिए जा रहे हैं। बलाचौर, बंगा और नवाशहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। जिले में जवानों की ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो नगर पुलिस के साथ प्रमुख जगहों में तैनात किए जाएंगे। महानगर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष व शांतिपूर्वक करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का सहयोग लिया जा रहा है। जिले में पड़ते विधानसभा क्षेत्रों पर नजर रखी जाएगी ताकि रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा प्रबंध किए जा सके। शहरवासियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो 2017 चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव अमन और शांति के साथ संपूर्ण हो। शहर में किसी को कोई शिकायत हो तो सूचित करें और मिलकर विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्वक करवाया जा सके। इलेक्शन 2017 जेडे के 4 तरीक डिक्लेयर हो गई डेट, कल कोर्ट लगे हुआ है, उस दे संबंध च लॉ एंड ऑर्डर नू देखते हुए सानू CISF दे करीब 80 जवान, CISF तो अलावा CRPF दे भी साढ़े कुछ जवान जेडे के कल आ रहे ने, उस तो अलावा PAP तो सानू 70 बंदे आए ने, चंडीगढ़ों भी हेडक्वार्टर तो भी सानू 30 बंदे आए ने, करीब 200 दे लगभग बाहर फोर्स आई है, 400-500 साडा जेड़ा नवांशहर डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारी ने वो सारे असी इकट्ठे किए ने। अज असी बलाचौर, बंगा सब डिवीजन तो नवांशहर सब डिवीजन के फ्लैग मार्च जिहड़ा कढ़न जा रहे हैं। असी पब्लिक को बेनती करते हैं कि जिहड़ियां 2017 चोणां हो रही वो बड़ा अमन ते शांति नाल संपूर्ण होण, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना आवे। असी भी पूरा पब्लिक का साथ देवांगे, पब्लिक साडा साथ दे तां जो जिहड़ियां 2017 चोणां जिहड़ियां वधिया अमन ते मान नाल खत्म कीतियां जा सके। नवांशहर से शैलेश कुमार की रिपोर्ट, नैशनल बस के लिए।